बिहार के भागलपुर जिले में सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वायरल वीडियो बिहार पुलिस का है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला नर्तकियों के द्वारा गाया जाने वाला गाना दारोगा जी चोरी हो गई की बोल पर कुछ बिना वर्दी वाले पुलिस कर्मियों के साथ खाकी ड्रेस में कुर्सी पर एक अधेड़ पुलिस कर्मी भी है, जो तालियां बजा बजा कर मजे ले रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नर्तकियों के साथ वर्दीधारी दरोगा के साथ सभी पुलिस कर्मी ही है। जानकारी के मुताबिक वीडियो 9 नवंबर की रात का है, जब जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र अमडंडा थाना से सटे मां काली युवा नाट्य कला परिषद अमडंडा के स्टेज पर वर्दीधारी अधेड़ दरोगा जयनाथ मिश्रा अपने सहकर्मियों के साथ हुड़दंग मचा रहे थे, और इस हुड़दंग में शामिल 11 नर्तकियों के साथ थाना के कर्मियों ने पहले तो अपना पुरुषार्थ जगाया, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने पुलिस महकमे के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार के बेरोजगार युवकों युवतियों के लिए धमाकेदार खुशखबरी है कि पूरे बिहार राज्य में जिला स्तर पर 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और प्रादेशिक नियोजनालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में आयोजित रोजगार मेला के दौरान 8वीं कक्षा से लेकर डिप्लोमा उत्तीर्ण सभी युवा भाग ले सकेंगे और नौकरी के सुनहरे अवसर प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि बिहार रोजगार मेला 2022 में भाग लेने के लिए आज सुबह से ही जिला स्कूल के प्रांगण में युवाओं की भीड़ देखी गई। सभी अपने अपने दस्तावेज को 3-3 सेटों में तैयार कर सुबह से ही लाइन में खड़े दिखे। रोजगार मेला का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार एवं रोजगार मेला से जुड़े पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग और प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के 2 दिवसीय रोजगार मेला 2022 में प्रमंडलीय स्तरीय नियोजन से व्यावसायिक मार्गदर्शक मेला नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए निःशुल्क रोजगार का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। यह मेला 22 नवम्बर और 23 नवंबर को आयोजित की गई है। मेले के आयोजन में जिला स्कूल परिसर में हजारों युवाओं की भीड़ देखी गई। नॉन मैट्रिक से उच्चतर योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों के लिए KYP पास युवक युवतियों के लिए भी सुनहरा रोजगार का मौका है। वहीं NCS पोर्टल पर निबंधन की सुविधा अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर कार्यालय एवं कार्यक्रम स्थल पर किया गया। मेले में प्रवेश से लेकर अंतिम चरण तक की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है। मेले में आवेदक अपने बायोडाटा, योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने हाथों में कतारबद्ध दिखे। कार्यक्रम में अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के सहायक निदेशक नियोजक भरत जी राम थे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह आप लोगों के लिए अच्छी पहल बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने की है, युवा महिला पुरुष इसका भरपूर लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भागलपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कुल 38 कंपनियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में रोजगार के 4800 से अधिक पद के लिए अवसर दिए जाएंगे। और साथ विषय का पार्ट 2 जो है वो अभी चल रहा है, जो ये 5 साल का पीरियड है 2020 से 2025 तक, उसमें कई सारी, जैसे अब आप देखेंगे कि सिर्फ स्ट्रीट लाइट जो है वो शहरों में ही नहीं लगेगा, गांव में भी लगेगा। गांव में भी सोलर से संचालित स्ट्रीट लाइट जो है वो लगेगा, तो ये भी साथ विषय का पार्ट। उसी तरह साथ विषय पार्ट 1 में जो 3 मेजर स्कीम थी, जो नए युवक युवतियों जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल था, वो था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा प्रोग्राम।
कुशल युवा प्रोग्राम के सेंटर्स ब्लॉक लेवल पे खोले गए, भागलपुर में आयोजित किया गया है और विभाग ने मुझे आज आमंत्रित किया है कि आज पहले दिन मैं आकर के आप लोगों से बात कर सकूं और देख सकूं कि किस तरह का आयोजन जो है ये प्रमंडल स्तर का आयोजन भागलपुर में हो रहा है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, बहुत खुशी की बात है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार जॉब्स जो है वो आज ऑफर की जा रही है प्राइवेट सेक्टर से, और जो भी अपनी इच्छा से उस जॉब के लाइन जिनके पास स्किल है तो वो लोग अगर वो चाहेंगे और वो स्किल को फुलफिल करते हैं तो उनको आज ये नौकरी मिलेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है और भागलपुर में ये लगातार हम लोगों का प्रयास है कि इस तरह के कैंप आयोजित होते रहें, लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को काफ़ी संख्या में रोजगार मिले। और इसी का परिणाम है कि जो विभाग की रैंकिंग होती है उसमें भागलपुर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। इसके लिए मैं भागलपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वालों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है। जिले में अमन शांति एवं सौहार्द बनाए रखने को लेकर यह कदम उठाया गया है। ताजा मामला इसाकचक थाना क्षेत्र का है। मामला धर्म को लेकर है। एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करते हुए अपने मैसेज को सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद यह बात बढ़ी और यह बात पुलिस तक पहुँच गयी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर पुलिस ने 17 वर्षीय मुस्लिम किशोर को हिरासत में ले लिया है। दरअसल उस पर आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच के लिए कहा। टीम ने जांच कर पूरी जानकारी ली और उसे हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया। CTSP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि साक्षक थाना क्षेत्र का 17 साल का एक मुस्लिम किशोर है, जिसके बारे में सूचना मिली थी। कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है। SP ने बताया गिरफ्तार किशोर के मुताबिक एक हिंदू लड़के से बहस हुई थी, जिसके बाद ये आवेश में आकर हिंदू देवताओं के खिलाफ भ्रामक टिप्पणी की थी। और कुछ दिन पहले पुलिस को पता चला था कि एक शाहिद शेख नामक युवक है, इसाकचक थाने का ही रहने वाला, वो इंस्टाग्राम पर कुछ हिंदू देवी देवताओं के संबंध में भ्रामक चीजें लिख रहा है और गलत टिप्पणियां कर रहा है। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज किया और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। उस मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें वायरल हुई थी उसकी पुष्टि होती है या नहीं होती है। अभी कुछ चीज़ें पुष्टि हुई है और इसने और भी कुछ चीज़ें बताई है, जिस पर हम लोग अनुसंधान चल रहा है। और जिस लड़के के साथ ये बातचीत कर रहा था वो इसका दोस्त ही है और संभवतः उसी ने ये सारी चीज़ें वायरल की थी। इसका कहना है कि इसके दोस्त के द्वारा भी काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना एज है उसका? ये माइनर लड़का है, अभी 17 साल उम्र बता रहा है। उस युवक को किस तरह की टिप्पणियां की गई? इसकी जांच हो रही है। कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे और उसको हम लोग कांड का अनुसंधान का पार्ट बनाएंगे। सर, सोशल मीडिया पर पुलिस और किस तरह से नजर रखती है गलत टिप्पणी? हम लोगों का साइबर सेल है और जो कुछ हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई पेनल ऑफेंस कारित किया जाता है तो उस पर हम लोग आगे ही कार्रवाई करें। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त कराया गया था, उसकी जांच कराई गई और जांच के क्रम में ये मामला सत्य पाया गया, फिर तत्काल FIR दर्ज कर इसमें आगे ही कार्रवाई की गई है। जो शिकायत करता है उसका नाम क्या? व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी हम लोगों को, इसमें पुलिस खुद ही कंप्लेनेंट है, वादी है। भागलपुर के सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में शांति देवी मुरारका कन्या विद्यालय के द्वारा तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। स्कूल के प्रचार सुनील सिंह ने बताया कि तरंग प्रतियोगिता को लेकर स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को खेल कूद कराया जा रहा है। तरंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले छात्र एवं छात्राओं की सूची BRC में भेजी जाएगी। प्रखंड BRC से जिला में रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद वे सभी खिलाड़ी तरंग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इस दौरान स्कूल के शिक्षक बसंत कुमार, मिथिलेश कुमार सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे।
भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के राम सुंदर इंटर स्तरीय विद्यालय रामपुर में नौवीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर 420 रुपए की उगाही किए जाने का आरोप लगाते हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। स्कूली बच्चों ने बताया कि स्कूल के कलर का प्रचार आमोद कुमार शाह के द्वारा कहा गया है कि 320 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और 50 रुपए ऑनलाइन फी लगता है और 70 रुपए अगले महीने होने वाले हम लोगों के रिटायरमेंट समारोह में खर्च होगा। क्या सरकार रिटायरमेंट के बाद पेमेंट या पेंशन नहीं देती? जो बच्चों से उगाही का खेल रचा जा रहा है या बिहार के हर एक विद्यालय में ऐसा ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ बाबू? नाम विद्यासागर। किस क्लास में पढ़ते हो? 9 में। 9 में? और कौन से स्कूल में? उत्कर्मिक मध्य विद्यालय कृष्णदासपुर। ये आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं? हाँ। कितना पैसा लगा? 400। 400? कौन सर लेते हैं 400? आकाश, किरण और जियाउल हक। और तीनों लेते हैं सर? दोनों। दोनों? हाँ। कितना, मतलब कि आपको पता है कितना पैसा लगना है? 320। 320, लेकिन 400 क्यों देते हैं? बोले हैं सर को कि 400 क्यों ले रहे हैं? नहीं। कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? 9th में। रजिस्ट्रेशन कराए? कितना पैसा लगा? 400 रुपया। पता है कितना रजिस्ट्रेशन का चार्ज है? नहीं पता है। कौन लिया 400? कौन सर? आकाश। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? 9। कौन सा क्लास? 9th। रजिस्ट्रेशन कराए? कितना पैसा लगा? 400। पता है कितना पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन में? 320 रुपया लगता है। कौन लिया है 400? आकाश सर। आकाश सर? कौन सा स्कूल है? अपना परिचय बताइए। तो नाम भी किस स्कूल से हैं? रामपुर है। ये जो बच्चे लोग जो आरोप लगाए हैं 420 रुपया लिए हैं, रजिस्ट्रेशन फीस का चार्ज कितना है? 320। तो 420 क्यों लिया गया? 420 बच्चों लोग से क्यों लिया गया? प्रभारी द्वारा निर्धारित किया गया है, हेडमास्टर के द्वारा निर्धारित किया गया था कि आपको लेना है। मुझे नहीं, क्लास टीचर। अच्छा, सब सभी मिल करके सहमति बनाए होंगे ना कि 420 लेना है? ये सर कुछ आ जाएगा तो उसमें मान लिया जाएगा उसी के लिए का जो भी है वो सीओ से करेगा। और 20 का जो है जितनी दिया था उसमें ये तोड़ दिया क्या बोर्ड ये सब नहीं निकाला? कौन तोड़ा था? विद्यार्थी सर। विद्यार्थी तोड़ा था? विद्यार्थी से आप बोर्ड लिए? बोर्ड लिए तो वही सब किया। बच्चा बोला कि बोर्ड दे दिए हैं, तब भी 20 रुपया सभी बच्चे से लिया, 20 रुपया करके फाइन। हम उसमें नहीं जो करे वही किया। हम उससे हमारा इसमें कोई नहीं है, जो वाजिब है हम यही बोलते हैं। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट सबका प्रस्ताव जो है कौन कौन है यहाँ प्रस्तावक में? सब सहमति नाम बता सकते हैं। हम इसमें नहीं रखते हैं। सभी जितने भी क्लास टीचर हैं सभी के सहमति से सब टीचर जो भी होता है यहाँ सबके सहमति। तो 420 रुपया जो लिए हैं तो सबके सहमति से लिए हैं? उसमें जो है ना वो बता रहे हैं अगर सब बोलेगा तो वो जो बिस्ट का जो लिए हैं उसमें। रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है सर? नाइन्थ का रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है आप इतने ही बताइए सर? रजिस्ट्रेशन चार्ज 320। अपना परिचय बताइए। तो अपना परिचय बताइए। परिचय तो जान ही रहे हैं। जान रहे हैं आप, बताइए। हम डीओ सर से पूछेंगे, आप खाली परिचय बताइए। नहीं तो ऐसे चेहरा देख करके बोलिए देंगे डीओ साहब, मगर आप बोल देते तो ठीक है। और क्या बोले, सिर्फ बता दीजिए सर, और कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चले जाएंगे। प्रमोद कुमार शाह। प्रमोद कुमार शाह इस स्कूल के हेड मास्टर हुए? कौन सा स्कूल? राम सुंदर उच्च विद्यालय रामपुर। 320 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है, 420 रुपये लिया जा रहा है बच्चों से, उसमें 50 रुपये ऑनलाइन लिया। ऑनलाइन? ऑनलाइन कहाँ से होता है सर? ऑनलाइन तो स्कूल में ना जो बच्चा लेता है जो करवाते हैं। कहाँ से करवाते हैं सर? कैफे से करवाते हैं। कैफे का नाम बताइए सर, किस कैफे से होता है?
बड़े वो बताएंगे ये सर कुछ आ जाएगा तो उस समय उसी के लिए जो भी है वो से और वो 20% जो है जितनी दिया था उसमें ये तोड़ दिया बोर्ड ये सब नहीं कौन तोड़ा था विद्यार्थी तोड़ा था विद्यार्थी से आप बोर्ड लिए बोर्ड लिए तो वही सब किया बच्चा बोला कि बोर्ड दे दिए हैं तब भी 20% सभी बच्चे से लिया आप 20% करके फाइन हम उसमें नहीं जो करे वही किया हम उससे कोई हमारा इसमें कोई नहीं है जो वाजिब है हम यही बोलते हैं तो इसमें जो मजिस्ट्रेट फॉर्म को बना इसमें सबका प्रस्ताव जो है सरपंच का अधिकार कौन कौन है यहाँ प्रस्तावक में सब भी सहमति नाम बताइए सबका टीचर सब जो है नाम बताइए ना नाम तो सब टीचर जैसे इतने नाम बताइए सबके सहमति से अगर बोले बोला जाएगा कि 1,000 रुपया लेना है तो लीजिएगा नहीं प्रावधान है क्या नहीं नहीं, नहीं वो 300 अच्छा 320 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है हाँ। तो उसका रसीद आप क्यों नहीं दे रहे हैं देंगे आदमी देंगे कब देंगे रसीद देंगे रसीद जिस समय पैसा लिया जाता है उसी समय रसीद दिया जाता है सर सबको देता है सुविधा अनुसार सभी कटता है उसके बाद देगा रसीद वो सब दे यहाँ वो सब नहीं है अच्छा अच्छा यहाँ वो सब नहीं है जो होता है हमको जो वाजिब है वही लीजिए हम यही आदेश देते हैं। भागलपुर पुलिस ने 3 कांडों का खुलासा किया है जिसमें 3 नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है वहीं 6 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी CTSP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर दी। नाथनगर थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर को चांद नदी के समीप टोटो को लूट लिया गया था। बताया जा रहा है कि अनिल मंडल अपने ग्रामीण अशोक राम के साथ मुंगेर से घर लौट रहे थे। अशोक राम शौच करने गए इसी क्रम में 3 अपराधियों ने पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया और टोटो लूट ली गई थी। टाइगर पुलिस बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अंजाम लोधीपुर थाना क्षेत्र के 3 अपराधियों ने टाइगर पुलिस बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसाक्षर थाना क्षेत्र के रहने वाले अमन कुमार और उसके साथी करण कुमार घर जा रहे थे। इसी दौरान 3 व्यक्ति स्कूटी से आ अपने आप को टाइगर पुलिस बताकर जांच करने लगे। जांच के दौरान दोनों से बुरी तरह मारपीट की गई। पिस्टल दिखाकर खाते से 99,800 रुपये ट्रांसफर करवाकर छोड़ दिया गया। उस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चैट करने में नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। इसाक्षर थाना क्षेत्र के रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग को आपत्तिजनक चैट करने के मामले में हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरिफ नामक युवक ने अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैट किया है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस ने नाबालिग पर खुद केस कर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। मामलों में काम किया गया है। पहला मामला लोधीपुर थाना अंतर्गत है। इसमें 19 अक्टूबर को 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कूटी पे सवार होकर खुद को टाइगर पुलिस बताते हुए 2 लड़कों के साथ बाईपास ढाबा के पास ले जाकर उसको उनका वीडियो बनाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, एक्सटॉर्शन किया गया और करीब 1,00,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाकर छोड़ दिया गया था। पुलिस के नॉलेज में ये मामला आने पर हम लोगों ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और इसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 वेटरन अपराधी हैं। पहला सोनू कुमार है जो 0 माइल थाना का रहने वाला है। ये 5 बार जेल गया हुआ है, लूट और 307 के मामले इस पर दर्ज है। दूसरा आशीष कुमार है, ये जगदीशपुर थाने का रहने वाला है। ये 2 बार जेल गया है, एक शराब के कांड में और एक मारपीट के कांड में। तीसरा राजा कुमार है, ये तिलका मांझी थाने का रहने वाला है। ये भी दारू के केस में पहले जेल गया है और तिलका मांझी थाने से ही मारपीट के केस में जेल गया है। इन्होंने जो स्कूटी को प्रयुक्त किया था वो सोनू के भाई का है, उसको भी बरामद कर लिया गया है और जिस अकाउंट में पैसा गया है उस अकाउंट को हम लोगों ने सीज कराया है ताकि जो पीड़ित है उसको सारा पैसा वापस दिलाया जा सके। दूसरा जो है वो गंगा ब्रिज देखने गए थे 0 माइल, वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। दूसरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है। 17 अक्टूबर को एक टोटो चालक है जो अकबर नगर से सुबह सुबह सवारी लेकर आ रहा था और चंपा नदी के पर जो पुल है वहाँ शौच करने के लिए रुका था। वहाँ पर 3 अपराधियों के द्वारा उसके टोटो को लूट लिया गया था हथियार के दम पर। उसमें हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इसमें नाथनगर थाना ने मैनुअल इनपुट के आधार पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों विधि विरुद्ध बालक हैं परंतु इनकी कांड में संलिप्तता पाई गई है और 3रा अपराधी अभी फरार चल रहा है और इन दो
अपराधियों के निशानदेही पर टोटो का बैटरी और जो उसके काटे हुए पार्ट्स हैं, जिसको इन्होंने कहलगांव थाना अंतर्गत तीन लड़के हैं सचिन मंडल, संजय मंडल, अविनाश मंडल, इनको बेच दिया था, उनके यहाँ से बरामद किया गया। उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल 5 गिरफ्तारी है इस घटना में और एक अपराधी फरार चल रहा है।